प्राकृतिक आपदा के समय लोगों की मुश्किलों को कम करने के अपने संकल्प के अनुरूप इंडियन आर्म फोर्सेस ने गुजरात में साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय को मद्देनजर रखते हुए खुद को तैयार कर लिया है। इंडियन आर्मी ने 27 से अधिक रिलीफ कॉलम्स पूरे गुजरात में जैसे भुज, जामनगर, गांधीधाम, धरंगरा के साथ साथ नलिया, द्वारका और मांडवी जैसे फॉरवर्ड लोकेशंस पर भी तैनात कर दिया है। इन जगहों पर इंजीनियर्स और मेडिकल टीम्स भी तैयार रखे गए हैं। आर्मी ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ के साथ संयुक्त रूप से राहत कार्यों की योजना बनाई है। इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने गुजरात के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में भी भाग लिया है और इस आपदा के समय पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। इंडियन नेवी ने बचाव कार्य के लिए ओखा, पोरबंदर और वलसुरा जामनगर में डाइवर्स और अच्छे तैराकों की 10 से 15 टीमों को पोजीशन किया है, जिसमें प्रत्येक टीम में 5 युवक होते हैं। आवश्यकता के अनुसार और टीमों को भी डिप्लॉय किया जा सकता है। 4 जेमिनी श्रेणी के इन्फ्लेटेड बोट्स को ओखा और पोरबंदर में तैयार रखा गया है, जिसमें प्रत्येक बोट की कैपेसिटी 10 से 12 लोगों की होती है। इसके अलावा प्रभावित लोगों को खाना और सहायता सामग्री देने के लिए ओखा, पोरबंदर और वलसुरा में कम्युनिटी किचन और चिकित्सा टीमें भी स्थापित की गई हैं। भारतीय वायुसेना ने बड़ौदा में एक AN-32 विमान, अहमदाबाद में चेतक हेलीकॉप्टर और एक C-130 ट्रांसपोर्ट विमान दिल्ली में तैयार रखा है। इसके अलावा जामनगर, भुज और नलिया में गरुड़ कमांडोज भी तैयार हैं। गुजरात के सभी कोस्ट गार्ड स्टेशन को बचाव अभियान और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता के लिए तैयार कर दिया गया है। कोस्ट गार्ड ने बचाव कार्य के लिए 15 जहाजों और 7 विमानों को तैनात किया है। कोस्ट गार्ड स्टेशन में 29 जेमिनी बोट्स, 50 OBMs और 1000 से अधिक लाइफ जैकेट्स और 200 लाइफ बॉयज तैयार रखे हैं। कोस्ट गार्ड की मरीन पोल्यूशन रिस्पांस टीम भी संभावित स्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। गुजरात में इंडियन कोस्ट गार्ड यूनिट्स तटीय क्षेत्रों में जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोकल पॉपुलेशन, स्टेक होल्डर्स, फिशरमैन, ऑयल हैंडलिंग एजेंसीज के साथ लगातार बातचीत कर रही है। मौसम और साइक्लोन से बचाव की सलाह भी दी जा रही है।